लो जी, सुबह रियलिटी स्टेशन पे पहुंच गया हूँ, वहाँ से उतर आया हूँ। एक चीज़ जो मैंने नोट किया वो ये है कि अभी लिबास पहना हुआ है हर बंदा वे इधर, कि ये वाला ड्रेस पहन के तो बना रहा है व्लॉग। बस ये थोड़ी सी चीज़ फील हो रही है, लेकिन चंगा है, देखने की चीज़ है ये, बार बार देखो। ये अब पहुंच गया हूँ, अब रास्ता देखता हूँ कि कौन सा रास्ता लेना है जो मज़ेदार हो। ये मेरे पीछे आप देखें, ये दुबई मरीना का सारा इलाका है। अभी जो है ना वो आपको बैक कैमरा चला के तो फिर सारा व्यू आपको दिखाता हूँ, किस तरफ को जाऊँ। मेरा ख्याल है कि उस तरफ को जाना चाहिए, उधर ज़्यादा लोग जा रहे हैं, मैं भी उधर ही जाता हूँ। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, बड़ा मज़ेदार मौसम है, जो वेदर है ना, वेदर बहुत कमाल का हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है, इस ड्रेस में गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ गया। चलें अब बैक कैमरा चला के तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। मेरी कोशिश है कि मैं आज एन दुबई तक जाऊँ, तो जितना भी कवर हो सका वो सारा करूँगा, आपको दिखाऊँगा एन दुबई भी, ठीक है। लो जी, एरिया शुरू हो गया दुबई मरीना का। मैंने कहा कि अब आपको जो है ना वो दिखाना शुरू कर दूँ। अभी पैदल जो है मेरा ख्याल है कि काफ़ी चलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता रास्ते का। बस जिधर नू मुँह चुकया उधर नू टर पेने हैं। ये देखिए, असल में जो दुबई की स्काई लाइन है ना, एक चीज़ मैंने देखी है कि दुबई की स्काई लाइन जितनी भी है ना वो सारी शेख जायद रोड पे ही है, बाकी सारा वही है जैसे दूसरे हैं ना अरब कंट्रीज़, बिल्कुल सेम ही है। आबादियाँ हैं, बस लोग रह रहे हैं, ज़्यादातर जो तादाद है वो एक्सपैट्स की है। एक्सपैट्स मतलब के जो लोग यहाँ पे काम करने आते हैं वो ही ज़्यादातर रह रहे होते हैं। अभी किस तरफ को जाना है कोई पता नहीं, इधर दिल का दर्द में चले जाने हैं, जिधर को लोग जा रहे हैं उधर को मैं भी चलता हूँ। भैया ग्रीन साइन है तो निकल जाओ, आँखें बंद करके। अभी भी सामने ग्रीन साइन है, निकल जाओ आँखें बंद करके। बादल हो रहे हैं और हवा बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी चल रही है। ये जो कपड़े पहने हुए हैं ना, इनमें मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी भाई, हवा चलनी शुरू हुई है तो चस आ गई। अच्छा बिलाल की जान, माफ़ी चाहते हैं, एक कॉल आ गया था। अच्छा एक चीज़ वो आपको बता दूं, मैंने सोचा कि चलें कॉल आई है उस पर भी डिस्कस कर ही लूँ। वो ये है कि कल मैंने ना अपना क्रेडिट कार्ड डाल के, तो नून यहाँ पर है एक वेबसाइट, बहुत बड़ी वेबसाइट है, मतलब कि ई कॉमर्स है, अमेजोन के मुकाबले में है, अमेजोन को जो है ना वो टक्कर दे रही है यहाँ पे। मैंने कल अपना जो है ना वो क्रेडिट कार्ड उसमें डाला, मसला ये हुआ कि क्रेडिट कार्ड उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, इन्फॉर्मेशन सारी सेव हो गई, लेकिन जब ऑर्डर प्लेस करने का टाइम आया ना तो तकरीबन उसने एक मिनट लगा के तो पेज में एरर दे दिया, और मुझे बैंक की तरफ से मैसेज भी आ गया कि आपकी जो है ना वो परचेज़ हो गई है, लेकिन ऑर्डर कन्फर्म नहीं हुआ। तो मैंने फिर जो है ना वो फौरन नून की जो हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल की, मैंने कहा जी ये क्या सीन है, ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ लेकिन आपने पेमेंट जो है वो काट लिया। तो ये कल की बात है, कल तकरीबन दोपहर एक दो बजे की। तो फिर उन्होंने मुझे कहा जी हम आपकी जो है ना वो कर लेते हैं कंप्लेंट रजिस्टर्ड, तो आपसे बंदा कॉन्टेक्ट करेगा। मैंने फ़ौरन बैंक में अपने बैंक में कॉल की, बड़ा ख़र्चा आया, तकरीबन जो है ना वो 40-50 रुपए पर मिनट के पड़े हैं, और बैंक वाले आपको पता है, मैं कहना नहीं चाहता, ज़बान गंदी नहीं करना, ऐवें इंतज़ार करवाते हैं 6-7 मिनट 10 मिनट उसने ले लिए मेरे। बाद में उसने कहा जी ठीक है जी हम जो है ना ई कॉमर्स की जो पेमेंट है उनको ब्लॉक कर देते हैं, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी वो नून वाले की कॉल आई थी कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके लिए माजत खाऊँ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि जब UAE में आएँ, अगर आप रेजिडेंट नहीं हैं, विजिटर हैं मेरी तरह, तो कोशिश करें कि इन पर्सन चीज़ें खरीदने की कोशिश करें, ऑनलाइन पोर्टल से ना ख़रीदें, क्योंकि अगर इस तरह की पेमेंट वगैरह फंस गई या आपकी फंस गया आपकी जो सिम है वो इंटरनेशनल ना हुई
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाद में आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा होगा या टिकट जो है वो आपकी आ जाएगी, तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर यही है कि ऑनलाइन यहाँ पे ख़रीदारी ना करें अगर आप विजिट पे हैं। हाँ, अमेज़ोन पे आप कर सकते हैं क्योंकि अमेज़ोन एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर आप इंडिया से हैं तो कर लें, पाकिस्तान से हैं तो वो भी ना करें क्योंकि पाकिस्तान में तो अमेज़ोन वर्क नहीं करता। इसलिए ज़रा ध्यान से, क्योंकि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब जो है मैं वो बैक कैमरा चला के तो बाकी का जो है वो सीन आपको दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूँ, बस मुँह चुकी है तो टूरी जा रहे हैं लोगों के साथ साथ, इधर लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। अभी देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ पे लेके जाता है हमें। ठीक है, अभी मैं बैक कैमरा चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। लो जी, गूगल मैप्स चला के तो रास्ता मिल गया, इसलिए मैंने सोचा फ्रंट कैमरा चला के तो आपको बता दूं। फ्रंट कैमरा चलाने का ये भी एक मकसद है कि आज मैं तुम्हें अपना बिठा लवावा। आज मैं कपड़े पहने अरबी वाले, तो मैंने सोचा कि आपको फिर असल में पीछे वाला जो व्यू है वो भी आपको नज़र आता रहेगा। लेकिन अभी जो है वो बैक कैमरा चलाता हूँ और आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। ठीक है,